दोस्तों बना रहे हैं पालक पनीर। आज आपको रेसिपी बताते हैं कैसे बनेगी। देखो 200 ग्राम पनीर लिया है और आधा किलो पालक पीस ली है, धुल के अच्छे से काट के पीसी है और मिर्चा धनिया ली है। और अब बताते कैसे बनेगा। इसमें डाल रहे हैं सुविधानुसार तेल, कम खाते तो कम डाल सकते हैं और ज्यादा खाते तो ज्यादा डाल सकते हैं, क्योंकि कोई ज्यादा मसाला भूनना नहीं है। और इसको गर्म होने के बाद में थोड़ा सा डालेंगे जीरा, गर्म हो जाए पहले, थोड़ा सा जीरा डालें। ऑयल डाला है, ज्यादा नहीं है, थोड़ा सा ऑयल डाला हमने। अब ये डाला जीरा आधा चम्मच, छोटी सी चम्मच है, आपकी चम्मच बड़ी हो तो चौथाई चम्मच डाल सकते हैं। अब इसमें डाल रहे हैं हींग, एक चुटकी हींग डाल रहे हैं। और मिर्ची ज्यादा है हमारे हिसाब से, तो इसको आधा डालेंगे, करीब दो मिर्चा मान के चलो डालते हैं। ज्यादा खाते तो पूरी डाल सकते हैं, चार मिनट है। और इसमें डालते हैं, ये है पालक पनीर मसाला, करीब दो चम्मच ये पालक पनीर मसाला है, ये उसमें फैला हुआ रखा है इसलिए समझ में नहीं आ रहा है, दो चम्मच है करीब, तो इसको डाल देंगे। अब डालेंगे हल्दी, आधा चम्मच हल्दी। और अब इसमें डालेंगे पनीर, पनीर डाल दिया है, इसको हल्का सा फ्राई करेंगे, उसके बाद में इसमें डालेंगे पालक, थोड़ा सा फ्राई हो जाए हल्का सा। अब बनने के बाद में सिर्फ गरम मसाला हल्का सा पड़ेगा और कोई मसाला नहीं पड़ेगा, है ना। हल्का मसाला अच्छा लगता है, ज्यादा मसाला हो जाता है तो वो सेहत के लिए भी अच्छा नहीं होता और खाने में भी उतना अच्छा नहीं लगता जैसा लगना चाहिए। देखिए पनीर का कलर कितना अच्छा लग रहा है, थोड़ा सा भूनते हैं। अब इसमें करीब दो मिनट हो गए हैं और अब इसमें डाल देते हैं पालक, हमने पालक डाल दिया। अब इसको इसमें हल्का सा नमक डालें क्योंकि मसाले में नमक था, मसाले में ऑलरेडी नमक होता है इसलिए इसमें थोड़ा सा नमक डालेंगे, जरा सा, देखिए ना हो जाएगा। ये 10 मिनट पक जाएगा तो बनके तैयार हो जाएगी। इसको पूरा डाल देते हैं जिससे बर्बाद ना हो पालक, पूरा डाल के हल्का सा दो चम्मच पानी डाल के इसमें डाल देंगे और जब ये पक जाएगी 10 मिनट करीब, दो चम्मच इसमें पानी डाला और इसको चारों तरफ से ऐसे कर लिया है तो ये पूरी इसमें आ गई, बर्बाद नहीं होती है, कोई भी चीज बर्बाद नहीं करनी चाहिए, है ना। इसमें डाल दिया है, अब इसको 10 मिनट धीमी आंच में, धीमी आंच क्या, थोड़ा खोलने लगे फिर धीमी करेंगे,
10 मिनट इसको पकने देते हैं। दोस्तों 10 मिनट हो गए हैं, देखते हैं बना है या नहीं। ये कलर चेंज हो गया है, इसका मतलब ये बन गया है, लेकिन फिर भी 2-4 मिनट इसको और पकने देते हैं। और पक जाएगा तो और अच्छा हो जाएगा। कलर चेंज हो गया इसका मतलब पालक पक गई है, और पनीर तो पहले से ही पका होता है, इसमें कुछ पकाने का होता नहीं। उसको हल्का सा फ्राई कर दो, उसी में बन जाता है। तो इसको 2-4 मिनट और भूनने देते हैं, लेकिन गरम मसाला पहले डाल देते हैं। गरम मसाला डालने के बाद 2-4 मिनट होने देंगे, फिर इसको बंद कर देंगे। जरा सा इतना डाला है आपको दिखाएं, इतना सा गरम मसाला डाला है, 1/4 चम्मच। ज्यादा नहीं डालते, ज्यादा डाल देंगे ना तो कड़वा जाएगी सब्जी। ज्यादा डाल देंगे तो सब्जी कड़वा जाएगी, इसलिए ज्यादा नहीं डालना है। ओके, जब भी आप बनाइएगा इसी तरह बनाइएगा। अब इसको घड़ी से देख के 4-5 मिनट हल्का सा पकाना है, उसके बाद बंद कर देना है। दोस्तों 4 मिनट हो गए हैं, अब देखिए बन गई है, इसको कर देते हैं बंद। और इसमें डाल देते हैं धनिया, धनिया डाल के इसको सर्व कर देते हैं, है ना। ये धनिया डाल दिए, बन के कंप्लीट तैयार हो गई है। अब इसको बन गई है, इसको सर्व कर लेते हैं। देखिए कितनी अच्छी बन के तैयार हुई है। नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।